पिताजी आपकी बहुत एक कमाल की लाइन है जो बहुत इंस्पायरिंग लाइन है और आप ये कहते हैं कि द एंटायर गेम इज ऑफ सरेंडर और भीख मांगना मत बंद कर दो और वो सदगुरु सदगुरु क्या जिसे ये पता नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए ये जो थॉट है ये थॉट सिर्फ आप ही से सुनने को मिला है अदरवाइज अक्सर ये कहा जाता है कि मैं ये तुमको दिला दूंगा मैं तुम्हारा ये फायदा करा दूंगा मैं तुम्हारी तरक्की करा दूंगा ये जो है ये सच एन इंस्पायरिंग थॉट हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस एंटायर ऑफ सरेंडर एंड हाउ डज सरेंडर सरेंडर जो चीज़ है वो कैसे उस बंदे की तकलीफों को दूर करती है ऐसा है अशोक जी आपने कैसा प्रश्न कर दिया सरेंडर इज द बी ऑल एंड द एंड ऑल ऑफ लाइफ लाइफ बिगिंस फ्रॉम सरेंडर एंड एंड एट सरेंडर सरेंडर इज द बैकबोन ऑफ एग्जिस्टेंस क्या बात सरेंडर का अर्थ यह है कि आपने अपने सारे भार जो अननेसेसरली आपने उठाए हुए हैं वो आपने किसी के हवाले कर दिया दूसरा अपना बोझा उठा के दूसरे को दे दिया तो ये तो अच्छा ही है आप हल्के हो गए और दूसरा तैयार है आपका बोझा उठाने को सतगुरु सदा कहता है कि तू अपनी सारी दुख तकलीफें सारे अपने विषाद सारी अपनी समस्याएं मेरी झोली में डाल दे ये सतगुरु कहता है मैं तो कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कैसे संभालूंगा उनको तू थक जाएगा तू बहुत बुरी तरह से निहाल हो जाएगा तू ऐसा ना कर तू जो लोग समझ लेते हैं वो तो सरेंडर कर देते सरेंडर दरअसल एक कीमिया है वो मालिक ने सबको बनाया लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि फल लगदा नीमिया बेरिया जो बेरी झुक जाती है बेरी एक पेड़ का नाम है जिसको बेर लगते हैं जो झुक जाती है उसको सबसे ज्यादा फल लगता है मेरा अपना ख्याल है कि वो फल लगने से झुक जाती है तो लेकिन कैसे भी कह लो झुकना एक बहुत बड़ी कला है लोग झुक जाते हैं लेकिन अकड़े रहते हैं झुक जाते हैं, कर जाते हैं। <laughs> क्या करूं, मैं क्या कहू मैं खैर मैं वो उसको पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहता नहीं। तो साफ साफ यही बोलूंगा कि जो काम किसी भी तरीके से नहीं हो सकता वो सरेंडर से हो जाता है क्योंकि दरअसल इंसान करता नहीं है कर्ता पुरख वो है पहली लाइन जपजी साहब की कर्ता पुरख वो परमात्मा है हम नहीं है पुरख इंसान बन नहीं सकता पुरख ये अलग बात है कि किसी किसी को वो ताकतें दे देता अपने वो कहता तू जवाब मेरा काम कर वो अलग बात है लेकिन वो जो काम करता है वो वो नहीं ये कहता कि मैं करता परखूं वो काम करता है वो परमात्मा से ज़्यादा काम उसके द्वारा होते हैं लोगों को शांति मिलती है लोगों को सुख मिलता है लोगों के रोग चले जाते हैं अब रोग की बात है तो देखो ये रोग पहले से निश्चित है क्योंकि तो कर्म ऐसे किए हैं पाप कर्म है तो रोग आएगा वो जो रोग आया है वो पहले से ही जन्म पत्रियों में आपकी लाइनों में लिखा हुआ है दर्ज है किसी ने बता दिया किसी ने नहीं बताया तो वो जो है पहले से निश्चित वो तो होना है वो तो होगा अभी यहाँ आए हुए थे एक अमेरिका से शिकागो से आते हैं तो हमने उसको बहुत पहले कह दिया था कि बीमार पड़ोगे उसका हाथ देख के या उसकी जनपद देख के नहीं वैसे ही कह दिया था कि अभी से ठीक वो कैंसर का मरीज रहा जी। अभी भी है बेचारा उसी हालत में आया आशीर्वाद लेने जी। तो ये जो सरेंडर है वो एक बहुत बड़ा चमत्कार है आप चमत्कारों की बात करते थे जहाँ सरेंडर पूरा है सरेंडर का अर्थ है कि अंतर आत्मा से भीतर से सरेंडर हो सिर्फ गर्दन झुकाने से या दंडवत प्रणाम करने से सरेंडर नहीं होता है तो वो जो सरेंडर है वो उस तक पहुंच जाता है फिर वो वो ले लेता है जिम्मा सारा जी। आपके रोग का आपके शोक का आपकी बीमारियों का लाचारियों का आपके दुखों का आपके सारे समस्याओं का जिम्मा वो उठा लेता है क्योंकि आपने दे दिया वजन उसको बाहर दे दिया आपने और धैर्य से अंदर से भीतर से दिया दरअसल उसी का है जो सच्चाई मेरे से पूछो जी। तो उसी का है इंसान कुछ नहीं कर सकता उसके धरती पे आने से पहले उसका सारा शजरा तय हो जाता है पाछे बना शरीर पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर शरीर भी इंसान का बाद में बनता है सबसे पहले प्रारब्ध बनता है प्रारब्ध कोई बनाने वाला बैठा नहीं है बाहर जी। हम खुद ही करता है हम खुद जैसे काम करेंगे वैसा हमारा प्रारब्ध बनेगा कल मेरा कैसा होगा कल वैसा होगा जैसा मैं आज करूंगा सीधी सी बात है और उसी के कारण मैंने अपना कल निश्चित कर लिया जो आज कर रहा हूं। वो निश्चित कर लिया तो अब उसको कोई नहीं मिटा सकता मैं भी नहीं मिटा सकता वो कल निश्चित हो गया कल कैसा होगा वो मेरे सामने पहले से निश्चित किया हुआ आ जाएगा जी। अब उससे कैसे बचना है अब वो बुरा हो गया है उसके लिए लोग भागते हैं गुरु के पास उधर जाओगे उधर जाओगे टूने जादू करवाओगे ये चमत्कार जो, जो बोलते जी, थे जी, आप इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं लोग कुछ नहीं मिल सकता सिर्फ एक ही तरीका है सरेंडर सरेंडर यू सरेंडर टू हिज विल कोई बात नहीं बीमारी आई है तो बीमारी भी तो उसी से आई है जी। सब कुछ उससे आता है जब फूल उससे आ रहा है तो कांटा भी उसी से आ रहा है दोनों उसके हैं दोनों प्यारे हैं जी। तो आप फूल को तो बड़ी खुशी से आलिंगन करते हो जी। और बड़ा अच्छा फील करते हो कांटों से दूरी करते हो कांटों आपकी लाइन बहुत कमाल की लाइन है जहाँ पे कहते हो कि जब अच्छा वक्त आता है तो तुमको ज्यादा समझना चाहिए कि अच्छा वक्त जो है तुम्हारे बुरे दिन का आगाज uh, you know, अच्छा है इट्स अ वेरी गुड यू नो थॉट नॉबी जब अच्छा वक्त आता है लोग भूल जाते हैं सब कुछ हाँ। बिकम एरोगेंट एंड ऑल दैट सो और बुरे वक्तों में और ज्यादा सचेत हो जाए इंसान जी क्योंकि बुरा वक्त जो है वो कोई परमात्मा किसी से बदला नहीं ले रहा जी आया उसको कोई सजा दे रहा है वो हमने ही किया हुआ है हमारे सामने आ रहा है उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करो जी। मेरा ये मानना है कि अगर बुरे वक्त को भी प्रसाद रूप में लोगे तो बुरा वक्त टल जाएगा।, जाएगा वो मिट जाएगा वही बुरा वक्त अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपने इनकार नहीं किया आपने दुत्कारा नहीं आपने पीठ नहीं की उस तरफ जी। आपने उसको अंगीकार किया उसी अंगीकार में वो बुरा वक्त अच्छाई में बदल जाता है जी।